Okay, students, today we shall conduct a MCQ test on your chapter lines and angles. Okay, so let us start this. First question is, in figure, if this line AB, line CD is parallel and this is parallel to EF, EF. ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ. EF. यहाँ पर E है. If these three lines are parallel to each other and PQ is parallel to RS, PQ जो है PQ, this is P, this is Q, ये PQ और ये RS, ये parallel है. Okay, if these two lines are parallel and angle जो दिया है QRQP, where is RQP? RQP, RQP है क्यों? RQP, ओके, RQP है क्या? देखो, where is RQP? ओके, 25 का दिया है, RQP. एक्चुअली आर क्यू डी चाहिए यहाँ पे, आर क्यू डी करो. ये 25 का है, दिस इज ऑफ 25. ओके, आर क्यू डी. सी क्यू पी 60 का है, सी क्यू पी 60 डिग्री का दिया है. ओके, देन क्यू आर एस आपको निकालना है. वेर इज क्यू आर एस? क्यू आर एस, ये वाला एंगल निकालो, ये बताओ. चलो निकालो फटाफट, बताओ कितना आता है. दो ये पूरा एंगल बताना है. अब यहां पर देखो, ये अगर इसको ट्रांसवर्सल मानते हैं तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाते, तो ये 25 का हो जाएगा इतना तो. हाँ हाँ हाँ, कितना होगा रे? 145 इज द करेक्ट आंसर. 145, ये 25 का हो गया. और ये लाइन जो है, ये और ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल. इस लाइन को अगर मैं यहां से उठा के इधर लाता हूं ऐसा स्ट्रेट, तो ये कितना है? 60 का है. देखो ये इधर वाला, देखो ये 60 का है, तो इधर का कितने का हो जाएगा? 120 का हो जाएगा. बराबर, इस लाइन को आरएस को यहाँ पे कनेक्ट करो, ये पैरेलल है ना, तो यहाँ उठा के यहाँ लाओ, तो ये 120 का हो जाएगा. तो ये 120 का हो जाए, 120 प्लस 25 दैट इज 145 इज द करेक्ट आंसर. बाकी लड़कों को समझ में आया क्या? हाँ, 145, वेरी गुड, 145. देयर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू. इफ टू इंटीरियर एंगल्स, इफ टू इंटीरियर एंगल्स, इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड, एक ही साइड के तरफ के, सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, ऑफ ए ट्रांसवर्सल, ऑफ ए ट्रांसवर्सल, इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल, इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस आर इन द रेशियो, इन द रेशियो 2:3, देन द ग्रेटर ऑफ द टू एंगल इज, देन द ग्रेटर ऑफ द टू एंगल, दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा होगा, कितना होगा? ए ऑप्शन इज 54 डिग्री, बी इज 108 डिग्री, सी इज 120 डिग्री,
एंड डी इज 136 डिग्री। कौन सा करेक्ट है बताओ? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किसने आंसर दिया रे? लोटस। वेरी गुड बेटा लोटस, तू तो रोज अटेंड करता है क्लास। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है तेरा 108 है ना, 108। क्या बोला उसने? अगर ये ऐसे दो पैरेलल लाइंस है, इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स, ये कौन से रेशियो में? देखो, इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली ट्रांसवर्सल है, उसके एक ही तरफ के जो इंटीरियर एंगल्स है, ये रेशियो है 2:3, ये 2x मानो, ये 3x मानो, तो इंटीरियर एंगल्स की सम कितनी होती है? 180 होती है। तो यहाँ पे 2x प्लस 3x इक्वल टू 180, 5x इक्वल टू 180, देयरफॉर x इक्वल टू कितना था रहा? नहीं सॉरी, कितना आएगा? 5 3 15 बराबर है 36 है ना, 36। ये 72 का होगा और ये वाला 3x 36 इंटू 3 108 का होगा, दिस विल बी ऑफ 108। दोनों में से बड़ा कौन सा है? 108 है ना, हाँ 108 8, यस करेक्ट। तो दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज वन एंगल of a triangle is equal to the sum of the other two angles, sum of the other two angles, एक एंगल जो है ट्रायंगल में का वो बाकी दोनों एंगल्स के सम के बराबर में है, then the triangle is, then the triangle is option A, an isosceles triangle, and isosceles triangle option B is an obtuse triangle, obtuse triangle, okay, C is an equilateral triangle, equilateral triangle, and option D is a right triangle, a right, option right triangle आएगा। क्या बोला उसने? देखो, दो एंगल्स के बराबर में एक एंगल से, अगर मान लेते हो कोई भी ट्रायंगल ले लेते हो, अभी तो ये राइट एंगल है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, सपोज एक्स लेता हूँ, एक्स लेता हूँ, ये 2x हो जाएगा, डबल है ना, एक जो है वो डबल, दोनों के एडिशन के बराबर है। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू एंगल्स, अभी तीनों एंगल्स की एडिशन क्या होगी? 2x प्लस x प्लस x इक्वल टू 180 हो जाएगा, राइट? तो कितने को 4x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 45, तो ये 45 का, ये 45 का, ये डबल, ये 90 का, ये 90 का होगा ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है। अच्छा 60, हाँ 60-30 भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बराबर है, 60-30 भी हो सकता है, ठीक है ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 105,
एक्सटीरियर एंगल जो है 105 डिग्री का है एंड इट्स टू इंटीरियर एंगल्स एंड इट्स टू इंटीरियर एंगल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इक्वल ईच ऑफ दीज एंगल्स इज ईच ऑफ दीज एंगल्स इज नंबर ए ऑप्शन है 37.5 डिग्री नंबर बी 52.5 डिग्री सी ऑप्शन 72.5 डिग्री एंड डी ऑप्शन इज 75 डिग्री कौन सा आएगा फिफ्टी टू आता है क्या एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल देखो ऑप्शन टू है 105 है ये 105 डिग्री है ना टू इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 105 एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ये इक्वल है एक्स एक्स है सपोज है ना तो ये 2x इक्वल टू कितना 105 होगा x इक्वल टू कितना होगा 52.5 डिग्री बराबर तो ये 52.5 डिग्री बराबर है चलो दूसरा लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 The angles of a triangle are in the ratio. Question number 5. The angles of a triangle. Are in the ratio. 5:3:7. The triangle is option A an acute angled triangle this is option A option B is an obtuse angle triangle Option C is an right triangle. Option D is an isosceles triangle. कौन सा option है? A. Acute angle triangle. बराबर है क्या नहीं परी? देखो. करो ऑप्शन ए अच्छा वेरी गुड ये बाकी लड़के चेक कर रहे ठहरो हाँ एक्यूट एंगल यस द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स है वो है 5:3:7 है सपोज तो एक्स मानो 3x मानो 7x मानो ठीक है ना तो कितना होगा 5x+3x+7x=180 राइट तो 15x आ गए 15x=180 देयरफॉर x=12 आ गया तो ये आ गया 60 का ये 36 का 84 का आ रहा है ना हाँ तो तीनों एंगल्स एक्यूट है तीनों एंगल्स एक्यूट है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बराबर ना एक्यूट एंगल ट्रायंगल वेरी गुड करेक्ट आंसर दिस इज द करेक्ट आंसर ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6
इफ वन ऑफ द एंगल्स, बाद में इफ वन ऑफ द एंगल्स, इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल इज 130 डिग्री, then the angle between the bisectors of the other two angles can be option A 50 degree, B option is 65 degree, C option is 145 degree, and D option is 155 degree. हाँ, देखो अभी, निकालो. Option D very good. किसने बताया रे? Lotus, very good बेटा. Right. Option D is correct. देखते ना. सी इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 130 डिग्री, ऐसा मान लेते 130 डिग्री, ठीक है. एक 130 का है ना, इज 132 डिग्री, देन द एंगल्स बिटवीन द बायसेक्टर्स ऑफ द अदर टू एंगल्स, इसका बायसेक्टर निकालो, इसका बायसेक्टर निकालो, ये यहां पे मिलते हैं. सपोज लेट दिस इज ए बी सी, ओके, यहाँ पे डी पॉइंट है सपोज, ओके, तो यहां पर देखो ये पूरा एंगल ए प्लस एंगल बी मीन्स 130 प्लस एंगल पूरा वाला सी, ये 180 हो जाएगा, होगा ना, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी, तो यहां पर एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आएगा, 180 माइनस 30 50 आ गया, आ गया ना. अभी ये दोनों एंगल इक्वल है, बाइसेक्टर है, वो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है, बाइसेक्टर है ना, तो इसका आधा आधा करो, आधा आधा क्या होगा, एंगल ए का आधा प्लस एंगल सी का आधा, इधर भी आधा करो, 25 हो जाएगा. तो इसका मतलब ये आधा 25 का आ गया, और ये आधा और ये आधा 25 आ गया, ये आधा, ये का आधा मीन्स ए और ये सी का आधा मीन्स ए, दोनों की एडिशन 25, तो ये और ए 25 आ गया है ना, 25 का, तो ये एंगल कितने का होगा, फिर 25 का आ गया ना, 155 बराबर ना, ये वाला 155 का होगा, ये दोनों 25 के हैं, 25 और 155 180, समझ में आया ना, इस तरह से. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके, डी इज करेक्ट. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7. ए POQ is a line, the value of x, is option A 20 degree, option B 25 degree, option C 30 degree, option D is 35 degree. POQ is a line, the value of x, अच्छा फिगर में बताओ, इन फिगर, एक्चुअली दिस इज इन फिगर, फिगर निकालते हैं. POQ इज अ लाइन, POQ ले लो, POQ दिस इज अ लाइन, यहां पर उसने दिया है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्या, चलो कोई बात नहीं, ये 40 है, ठीक है ना, ये 4x है इतना, और ये 3x है इस तरह से, तो x की वैल्यू बताओ,
दिस इज 4x, 3x एंड 40 डिग्री, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x निकालो, कितना होता है 20 डिग्री, वेरी गुड, ओके ओके 20 डिग्री, हाँ राइट राइट, इसका मतलब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है बोर्ड पर का, वेरी गुड 20 डिग्री, गुड। द नेक्स्ट 4x प्लस 7x प्लस 40 इक्वल टू 180 करो ना, 7x प्लस 40 इक्वल टू 180, 7x इक्वल टू 140, x इक्वल टू 20। हाँ क्वेश्चन नंबर 8, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो, इन द रेशो 2:4:3, इस रेशो में तीनों एंगल्स है, द स्मॉलेस्ट एंगल सबसे छोटा, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, ऑफ दिस ट्रायंगल इज ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 40 डिग्री, ऑप्शन सी 80 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज 20 डिग्री, 40 डिग्री, वेरी गुड, ऑप्शन बी इज 40 डिग्री, दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके गुड 40 डिग्री। देन क्वेश्चन नंबर 9, नहीं हो गई क्या, ओके ओके, कितनी टाइम चला,